एम आई ऑडिबल? यस सर। तो हाँ ना, बोला करो भैया, काहे शांत रहते हो। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज, हम जो पहली चीज देखेंगे वो है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का फॉर्मूला अगर आप देखोगे, तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का फॉर्मूला है, हम क्या पहले देख रहे हैं, वी आर सीइंग इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, ये हम करेंगे। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है, टी इक्वल्स टू एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन एस, दैट इज फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन, अपॉन रूट ओवर ऑफ एन वन प्लस वन अपॉन एन टू। ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको बुक में। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम क्या करते हैं, टी टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट टी टेस्ट कब यूज होता है, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट को यूज करने की कंडीशन क्या है? जब दोनों ग्रुप डिफरेंट होते हैं। टू कंपेयर द मीन्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स, जब हमारे दो ग्रुप्स डिफरेंट हैं, उन दोनों डिफरेंट ग्रुप्स को हमें कंपेयर करना है कि विच वन इज बेटर, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वी यूज नहीं पकड़ी इंडिपेंडेंट बार टी बार इतना टेस्ट। नहीं ठीक है है, क्या समझ ओके, पूछिए ना। अब इसमें एक एग्जांपल है, उससे पहले अगर आपके पास नोटबुक है उससे तो पहले प्लीज हाँ नोटबुक और पेन लेके बैठो, क्योंकि उसकी हाँ जरूरत हाँ पड़ेगी। हाँ एक एग्जांपल हाँ है, क्यों नहीं जिस थोड़ा सा एग्जांपल की हेल्प खुद से को हम मंगा था इंडिपेंडेंट टी क्योंकि टेस्ट को मुझे दे देखेंगे। रहे ठीक थे है, हमें बार बार फीडबैक एग्जांपल मिल रहा क्या था, है तो लग गया कि सर दे दिया है तो स्कोर्स फिर हैं, साफ जो क्या फील है है, दो फिर मुझे स्कोर्स दे रहे थे हैं मुझे और उन हाँ दोनों ये तो बोतल ग्रुप लिया के हुआ वो स्कोर्स फिर का भी हमें कंपेयर कंपेयर कर रहे करना है थे कि वो कौन सा स्कोर अच्छा हमेशा। है। ठीक तो सुनिए वो है, जो तेल वाला बोतल नहीं होता क्या वो मांग रहे थे जो तो पड़ा हुआ है देखिए ऑरेंज कलर का। ओके, अब स्कोर क्या है कि दो ग्रुप्स हैं, कौन कौन ग्रुप हैं, ग्रुप ए है उसका कुछ स्कोर है, ग्रुप बी है उसका कुछ स्कोर है। ठीक है, अब इन दोनों स्कोर्स में से हमें क्या करना है, सपोज जो ग्रुप ए है वो किसका कौन सा है, दे रहे हैं कोई टेस्ट है, सपोज कोई भी टेस्ट मान लो, या फिर मान लो यही मार्क्स है, मांग रहे थे मैं चलो क्या देता है हूँ मैं भी रुक जाओ। मार्क्स, एग्जाम्पल किसका है हाँ हमारा, मार्क्स इन ए टेस्ट, एक टेस्ट है उसमें मार्क्स ऑब्टेन किए गए। ठीक है, ओके, हमारे पास दो ग्रुप हैं, कौन कौन से दो ग्रुप हैं हमारे पास, ग्रुप ए ग्रुप बी। ठीक है, हम मान लेते हैं ग्रुप ए ग्रुप बी। ओके, अब इनके जो स्कोर्स हैं वो क्या क्या हैं, देखो जैसे ग्रुप ए का स्कोर क्या है, ग्रुप ए के स्कोर्स हैं 28, 32, 28, 26, 28, 29, 22, 25 एंड 34। ठीक है, ये ग्रुप ए का स्कोर है। ग्रुप बी के स्कोर्स क्या हैं, 22, 28, 22, 21, 27, 33, 20, 26 एंड 23, ये ग्रुप बी का स्कोर है। ठीक है, आपने स्कोर्स नोट कर लिया? यस सर ओके, तो आपका क्वेश्चन क्या है कि ग्रुप ए है ग्रुप बी है, इन दोनों के मार्क्स हैं किसी एक एग्जाम में, और आपको पता करना है कि उन दोनों के जो मार्क्स हैं ग्रुप ए के ग्रुप बी के, उनमें कोई डिफरेंस है या नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर ओके, चलो अब हम यहाँ से एक चीज़ और सीख लेंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग को कैसे करते हैं, क्या बोलते हैं, एक टॉपिक था ना प्रोसीजर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें मैंने डिफरेंट स्टेप्स बताए थे। तो जब भी हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग का कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है, पेयर टी टेस्ट हो, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट हो, अनोवा हो, उसका प्रोसीजर हम सेम फॉलो करते हैं। ठीक है, प्रोसीजर क्या है कि जो सबसे पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि जो हम भी टेस्ट लगा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है टेस्ट का, टू टेस्ट वेदर, क्या हम टेस्ट करने चाहते हैं, टू टेस्ट वेदर कि जो स्कोर्स हैं, स्कोर्स ऑफ टू ग्रुप्स आर सेम और नॉट, दोनों ग्रुप्स के स्कोर सेम है या नहीं, ये हम पता करना चाहते हैं। ठीक है, और
इसमें हम हाइपोथेसिस क्या लगाएंगे, जो सेकंड स्टेप होगा वो हमारा हाइपोथेसिस होता है, ठीक है। हमें फिर उसके बेसिस पर हाइपोथेसिस बनानी है। हाइपोथेसिस कितनी बनेंगी, एक हमारी बनेगी नल और एक बनेगी हमारी अल्टरनेट, ठीक है। नल को हम क्या बोलते हैं, एच नॉट, और अल्टरनेट को एच वन, क्योंकि नल हाइपोथेसिस हमेशा क्या बोलती है, देयर इज नो डिफरेंस। तो हमारे पास हम बोल सकते हैं म्यू ऑफ ए इक्वल्स टू म्यू ऑफ बी, ठीक है। और जो हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी बोलेगी वो म्यू ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू म्यू ऑफ बी, ये दोनों ग्रुप्स के जो मार्क्स हैं वो इक्वल नहीं है, ठीक है। थर्ड हम देखेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ओके। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सपोज हमने रखा 0.01, ओके, इसको 0.01, 0.05 कुछ भी हम ले सकते हैं। फोर्थ है हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक, क्या है हमारा टाइप ऑफ टेस्ट, वन टेल्ड और टू टेल्ड टाइप ऑफ टेस्ट। तो बताओ ये वन टेल्ड है या टू टेल्ड है, इट इज टू टेल्ड टेस्ट, ठीक है। और लास्ट है हमारा, हम कौन सा टेस्ट लगा रहे हैं, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट विल बी यूज एज स्टैटिस्टिकल टेस्ट। ये हमारा क्या है, ये हमारे पहले पांच स्टेप हैं, ठीक है, ये हमेशा रहेंगे रहेंगे, ओके। इन पांच स्टेप के बाद अब हम यहाँ से क्या करना शुरू करेंगे, कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, अब देखो कैलकुलेशन में क्या होगा, कैलकुलेशन में हमें क्या है कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि टी का फॉर्मूला क्या है, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या है, कि एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन एस रूट ओवर ऑफ वन अपॉन एन वन प्लस वन अपॉन एन टू, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, ओके। अब इसमें जो एस है, इसमें जो एस हम लिख रहे हैं, एस क्या है, एस इज पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो एस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, वन अपॉन एन वन प्लस एन टू माइनस टू, ठीक है, ब्रैकेट में है हमारा सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर एन वन एक्स स्क्वायर एन वन वाई स्क्वायर, इस तरह से हमारा क्या है, सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस एन वन एक्स बार स्क्वायर माइनस एन टू वाई बार स्क्वायर, ओके। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, नो सर, ओके। तो अब डायग्राम इसी में आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कौन कौन सी चीज़ें निकालनी हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ओके क्या है हमारे पास, टेबल रहेगी, ठीक है। अब उस टेबल में देखो आप, एक मिनट, ओके, सपोज इसी को हम मान लेते हैं, ये है हमारा, ये हमारा टेबल रहेगा, ठीक है। इसमें हमें बहुत सारी लाइंस बना देनी है। तो पहला है हमारा सीरियल नंबर, ठीक है, उसके बाद हमारा ग्रुप ए के स्कोर्स आएंगे, फिर हमारे उनका एक्स स्क्वायर आएगा, फिर हमारे ग्रुप बी के स्कोर्स आएंगे, फिर हमारा वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है, फिर नीचे हम इनका सबमिशन करते जाएंगे, ओके। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और आपके क्लेरिफिकेशन के लिए कर लेते हैं हम, कि कम पड़ेगा तो और देख लेंगे। अब इसमें सबसे पहले है सीरियल नंबर, सीरियल नंबर क्यों हम
हमेशा लगाते हैं, सीरियल नंबर लगाने का पर्पज़ क्या है कि हमें एन वन एन टू बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ग्रुप ए का स्कोर आएगा, ठीक है। यहाँ हम ए लिखें या एक्स लिखें एक बात है, ठीक है। अगर ए है ग्रुप ए है तो अगर इसको कन्फ्यूज़न ना हो तो हम तो एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्स हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमें एक्स स्क्वायर निकालना है, फिर हमारा वाई होगा, और फिर हमें वाई स्क्वायर निकालना है। ये हमें इतनी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है हमारे पास डाटा है, ठीक है। तो अगर किसी को डाटा याद है तो जल्दी से बताओ, ग्रुप ए का डाटा क्या क्या था? 28 32 28 28 26 28 26 28 29 22 29 22 25 34 25 34 34। अब इसमें सिर्फ 9 डाटा है, ठीक है। क्या है? 10 नहीं है, क्या है? 9 है, तो इसको हटा दो। ओके, वाई का डाटा बताओ। 22 28 22 21 22 21 27 33 27 33 20 26 20 26 23 23। ओके, ये हमारा इसका हो गया। अब एक्स स्क्वायर जल्दी से बताते जाओ कोई कैलकुलेट करके, 28 का कितना होगा? सौरभ जल्दी, 784 होगा, इसका 1024 होगा, देन अगेन 784, 676 हो गया, 28 का 784 हो गया, ओके, 29 का हो गया हमारा 841 हो गया, 22 का तो 484 होता है, 25 का 625 होता है, और 34 का 1156 होता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 22 का 484, 28 का 784, फिर 484, और फिर इसका हमारा 441, 27 का 729, 33 का हमारा हो जाएगा 1089, 20 का 400, 26 का 676 एंड 23 का 529। ओके, ये चीज़ हमारे पास आ गई, तो ये हो गया, ठीक है। एक्स एक्स स्क्वायर, वाई वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या क्या देखेंगे? सिग्मा एक्स कितना हुआ? सिग्मा एक्स का मतलब है इन सबको ऐड करना है, 28 32 28, इन सबको ऐड करो। तो जल्दी से बताओ इन सबको ऐड करके कितना हो रहा है? यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा 552। कितना हो रहा है? 252 हो रहा है। एक्स स्क्वायर को ऐड करो कितना होगा? सिग्मा वाई स्क्वायर, इन सबको हमें ऐड करके बता देना है। 7158। वेरी गुड, 7158। इसका 222 और इसका 5616। वेरी गुड। अब हमारे पास फॉर्मूले में हमें जो जो चीजें चाहिए वो सब आ गई। एन वन एन टू कितना होगा? एन वन इक्वल्स टू एन टू इक्वल्स टू कितना है? 09। 9 डाटा है हमारे पास, यही होगा। यहाँ तक कोई डाउट? ओके, अब और चीज हमें क्या कैलकुलेट करनी है? हम एक्स बार कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी कि 252 डिवाइडेड बाय एन कितना होता है? ये कितना होगा? 28 yes, और एक्स वाई बार कितना होगा? सिग्मा वाई अपॉन एन, सिग्मा वाई कितना था? 222 अपॉन 9 कितना आ रहा है इसका आंसर? 24.67 मान लो। चलो ये यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं सारी? ओके, चलो अब इतनी सारी चीज़ें हैं, अब आपको सारी वैल्यूज याद रखनी है। सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर, और एक्स बार और वाई बार, ये सारी चीज़ें याद हैं। अब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे इन चीज़ों को यूज करेंगे। ये सारी चीज़ें गई हमारी।
ओके तो सबसे पहली जो चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे वो है जो फॉर्मूले में है, क्या है फॉर्मूले में, एस है ठीक है। टी का फॉर्मूला लगाने से पहले हम एस को कैलकुलेट कर लेते हैं ठीक है। एस का फॉर्मूला क्या है, एस इक्वल्स टू वन अपॉन एन वन कितना है 9 प्लस 9 माइनस 2। ओके सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आया, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना था 7158 यही था ना। यस सर। सिग्मा वाई स्क्वायर कितना था 5616। ओके माइनस एन क्या है 9, सिग्मा सिग्मा बार स्क्वायर, सिग्मा बार यानी कि मीन का स्क्वायर, मीन का स्क्वायर यहाँ 28 था मीन एक्स का, तो 28 स्क्वायर फिर क्या है माइनस 9 इंटू 24.67 स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर हुई, इस स्टेप में कोई दिक्कत? ओके अगर हम इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो एस आएगा, सॉरी ये एस स्क्वायर का फॉर्मूला है, किसका है ये ये एस स्क्वायर का फॉर्मूला ठीक है। अब इस एस स्क्वायर से हमें एस कैलकुलेट करना होता है, एस ये जो है ये किसका फॉर्मूला है, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये एस स्क्वायर का है ठीक है। एस स्क्वायर तो एस स्क्वायर हमारे पास कितना आता है 15.03 आएगा। यस